हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो आप सबको पता होगा कि जो एंगल्स होते हैं, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंगल को हम अज्यूम कर लेंगे 3x, सेकेंड एंगल को हम अज्यूम कर लेंगे 5x, थर्ड एंगल को हम अज्यूम कर लेंगे 9x एंड फोर्थ एंगल को हम अज्यूम कर लेंगे 13x। सो विद दिस प्रॉपर्टी what we are going to do, 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to what, 360 degree। so ye 360 degree ke liye equal ho gaya, 5 3 8 9 17 aur ye 30x is equals to 360 degree ho gaya। so hamare jo x ki value hai wo 360 degree divide by 30 degree, so what we will get, x is equals to 12, hame mila x ki value 12। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कितना है, 3x। बोले तो 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। सेकेंड एंगल इसी तरीके से जो है हमारा 5x, 5 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 60 डिग्री। थर्ड एंगल हमारा है 9x, 9x मीन्स 9 इंटू 12, 9 टू ज़ा 18, 81 कैरी एंड 108 डिग्री। एंड जो फोर्थ एंगल हमारा आता है वो आता है 13x और 13 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू अराउंड 156 डिग्री। मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, कैलकुलेशन मेरी वीक रहेगी, तो इस सब चीज़ों को देख लेना। और इन सब चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम जो होगा वो 360 डिग्री आएगा। सो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कंसेप्ट है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें कहा गया है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल है, सपोज ये हमारा ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी और बी डी इक्वल है, सिर्फ हमें इतना दिया हुआ है। तो वही जिस तरीके से हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। दिस इज अ सिंबल फॉर पैरेललोग्राम, ओके। सो हमें यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब कहलाएगा, इसमें एक एक्सटेंशन होता है कि एंगल ए मीन्स कोई भी एक एंगल, वन एंगल जो है, सपोज एंगल डी को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल केस है जब पैरेललोग्राम जो होता है रेक्टेंगल कहलाता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, अब देखो कंसेप्ट की बात करते हैं कि जब भी हमें किसी भी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हमेशा हमें जो है इस ट्राइंगल को यूज करना है, दिस ए पॉइंट डी पॉइंट एंड सी पॉइंट। इस ए डी सी को हम यूज करेंगे और इस बी डी सी को हम यूज करेंगे, ओके। तो कभी भी जब ये एंगल 90 डिग्री हमें प्रूफ करना हो, जब ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना हो या ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना हो, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को ही यूज करना है। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, हमारे पास क्या है, ए डी जो है, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। अगर हमने यहाँ ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ए डी जो है बी सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, इसलिए ए डी जो हुआ बी सी के इक्वल हो गया। दूसरी बात, डी सी इज इक्वल्स टू डी सी कॉमन, कभी भी कोई भी ट्राइंगल आए तो उसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे कई बार कॉमन नहीं ढूंढ पाते हैं या कॉमन को मिस कर देते हैं। और तीसरी चीज़, हमें यहाँ गिवन है कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है,
और AC जो है अगर BD के इक्वल है, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो हमारा ट्राइंगल ADC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BCD के बाय SSS रूल। 5 क्राइटेरियन होते हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, वो होते हैं SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। ये सारी पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज आपको कॉन्ग्रुएंसी की याद होनी चाहिए। तो ये चीज इक्वल हो गई, सो हम एंगल ADC को एक एंगल BCD के इक्वल बता सकते हैं इस जहर की गोली से, दैट इज CPCT। CPCT इज रियली जहर की गोली। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप इक्वल बता सकते हो बाय CPCT, और CPCT से ये कॉन्ग्रुएंट होता है, तो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, किसके, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एंगल ADC इक्वल है, तो एंगल ADC का ट्वाइस जो है वो 180 डिग्री हो गया, सो एंगल ADC हमारा कितना हो गया, ADC हमारा हो गया 90 डिग्री। सो ADC 90 डिग्री हो गया, ये प्रूफ हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस ए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, सो हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शो दैट द डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज रोम्बस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक रोम्बस, सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमें गिवन में क्या दिया गया है, हमें जो दिया गया है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है कि हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ओके, और उसके बाद बोला है कि उसके डायगनल्स बाइसेक करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे, उसके डायगनल बाइसेक कर रहे हैं 90 डिग्री पे। सो टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, कि हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो क्या है, एक रोम्बस है। ABCD क्या है, रोम्बस है। अब यहाँ पे बात आती है प्रूफ की। ये इसका प्रूफ जो है वो बहुत इजी है। प्रूफ बहुत इजी कैसे है, बहुत इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो बात ये होती है कि कहीं टीचर्स ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट इसको प्रूफ कर दो पैरेललोग्राम की तरह, कई टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, पहले आप पैरेललोग्राम प्रूफ करो उसके बाद रोम्बस प्रूफ करो, क्योंकि इसकी चेन कैसे चलती है कि हमारे पास सबसे पहले होता है एक क्वाड्रिलेटरल। कंसेप्ट को हम समझेंगे कि हमारे पास सबसे पहले होता है एक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो किया गया है ट्रपीजियम में और एक किया गया है पैरेललोग्राम में। ओके, सो ट्रपीजियम जिसमें ओनली वन अपोजिट साइड इज पैरेलल, पैरेललोग्राम में बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर इस पैरेललोग्राम को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन पैरेललोग्राम प्लस कुछ प्रॉपर्टीज मिला करके इन फिगर्स को बनाती है, जैसे रेक्टेंगल। जैसे हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टी और लगा दो, मींस एक तो डायगनल इक्वल कर दो और एक हमारा एंगल 90 डिग्री बता दो, तो एक पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल कहलाएगा। ऐसे ही रोम्बस, रोम्बस में या तो सारी साइड्स इक्वल कर दो या फिर डायगनल्स को 90 डिग्री पे बाइसेक करता हो बता दो, तो रोम्बस कहलाएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी मिला करके स्क्वायर बनता है, मीन्स रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस बोथ टुगेदर इक्वल टू स्क्वायर, मीन्स सारी साइड इक्वल होगी रोम्बस की तरह, डायगनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल की तरह, वन एंगल 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल की तरह और डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री रोम्बस की तरह। तो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज इंक्लूडेड इन स्क्वायर। सो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो पहले हमें उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करके फिर हमें रेक्टेंगल, रोम्बस या जो भी प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है।
सेम चीज को हम यहाँ यूज करेंगे, एबीसीडी हमें रोम्बस प्रूफ करना है। एबीसीडी रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या स्पेशल गिवन है क्वेश्चन में, दैट डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए ओ डी जो है वो मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है, और ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, और ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल। इस तरह से ये चीज मुझे दी गई है। तो अब मैं प्रूफ कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको पैरलोग्राम बताऊंगा। पैरलोग्राम कैसे बताना है, कभी भी दो ट्राइंगल्स को पैरलोग्राम बताना है तो आप वो अपोजिट डायगनल से जो इंटरसेक्ट किए हुए या डायगनल बाइसेक्ट किए हुए जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। सो हम उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी हम क्या करेंगे, ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, गिवन दे रखा है। ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, ये भी गिवन दे रखा है। और एंगल ए ओ बी जो है एंगल सी ओ डी के इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हम कह सकते हैं या वर्टिकली बूस्टेड एंगल हम कह सकते हैं, और ये जो दोनों हैं ये हमें गिवन दिए हुए हैं। तो इसके बिहाफ पे ट्राइंगल ए ओ बी जो हुआ वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया सी ओ डी के, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट होते से ही इसकी अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी और एक एंगल पैरेलल आ जाएगा। सप्ता हूँ एंगल नंबर वन, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर टू, तो मैंने एंगल नंबर वन को एंगल नंबर टू के इक्वल कर दिया बाय सी पी सी टी, और ये क्या बना रहे हैं एंगल वन एंगल टू, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। और अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इससे मेरा प्रूफ हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, गॉट इट, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते से ये हो गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया, अब ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, ए बी जो है वो इक्वल हो गया किसके, सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल होते सी वाई सी टी से, सी पी सी टी से हो गया। सो मेरा ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान से सुनना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, उसी तरीके से मुझे अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए भी मेरे को क्या है, दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मैं किस तरह के एंगल्स लूंगा, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मुझे लेने पड़ेंगे दो अलग अलग ट्राइंगल्स। वो दो अलग अलग ट्राइंगल्स कौन से होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव ट्राइंगल्स होने चाहिए, मीन्स पास पास वाले। तो मैं यहाँ लूंगा ए ओ डी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी ने लिया सी, मैंने यहाँ पे ए ओ बी और ए ओ दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया। सो वो कैसे किया, ओ ए जो है वो ओ ए कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में भी कहा कि कॉमन मत भूलना, कॉमन है। दूसरी बात, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है, और एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए ओ डी के इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। सो मेरा ट्राइंगल ए ओ बी जो हुआ वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ए ओ डी के, बाय वी कैन से एस ए एन साइड एंगल साइड रूल। पिछली स्लाइड पर मैंने सारे कॉन्ग्रेंसी रूल बता दिए हैं। तो जैसे ही ए सी पी सी टी बी जो हुआ, ए बी जो हुआ हमारा वो किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। और दूसरी बात क्या थी कि मैं पिछले स्लाइड में बता के आया था कि मतलब पिछली ये जो हमने पढ़ा था कि ए बी सी डी कॉन्ग्रेंट है, सो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है। सो इससे मुझे पता पड़ गया कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, हैंस हमारा ए बी सी डी, हैंस ए बी सी।